Let's go. Go. And we got it like. हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय ब्लॉग चैनल। आप लोग का फिर से हार्दिक स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। तो आज हम आए हुए हैं मरीना बीच पर और मेरा आज प्लानिंग है समुद्र के अंदर जाने का। तो सबसे पहले तो मैं आपको मरीना बीच दिखाऊंगा और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे टिकट काउंटर पर, बोट खरीदेंगे और फिर हम लोग अंदर जाएंगे समुद्र के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं आपको मरीना बीच दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है मरीना बीच, और उसके बाद हम जाएंगे टिकट काउंटर पर, क्या प्राइस है क्या नहीं है ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर टिकट लेंगे और फिर जाएंगे समुद्र के अंदर। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहना। तो फ्रेंड्स, ये था मरीना बीच का लुक। आज बहुत ही तेज़ हवा है और ऊपर से गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। दोपहर के 2 बजे हुए हैं तो थोड़ा क्लियरिटी सही नहीं आएगा फ्रेंड्स। तो अभी हम जाते हैं टिकट काउंटर पर। तो फ्रेंड्स, ये है टिकट काउंटर बोट के लिए। यहाँ से हम लोग बोट खरीदेंगे, यहाँ से हम लोग बोट रेंट पर देंगे। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बैड न्यूज़ है, आज हवा बहुत ही ज़्यादा है, विंड ज़्यादा है, इसके लिए हम सी के अंदर नहीं जा सकते बोट लेके। मैं ऑफिस के अंदर गया था, टिकट काउंटर के अंदर गया था, मैंने बात की वो लोग से, लेकिन वो लोग ने आज स्ट्रिक्टली मना कर दिया। और 3-4 दिन से वेदर बहुत ही ख़राब है, मुझे मालूम नहीं था कि वेदर ख़राब होता है तब हम लोग नहीं जा सकते अंदर। और टिकट की प्राइस की बात करूँ तो अगर आपको 1 घंटे के लिए चाहिए बोट सेपरेट तो 90 KD टिकट है 1 आवर्स का, और अगर आपको 15 मिनट से 20 मिनट के लिए चाहिए बोट तो उसके टिकट का प्राइस है 20 KD और आप 4 पर्सन बोट के अंदर जा सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि दोबारा हम लोग ट्राई करेंगे, जब क्लाइमेट सही रहेगा तब आएंगे वापस, और ये जो ब्लॉग बाकी रहा हुआ है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। तो प्लीज़ कीप सपोर्ट, subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.